झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा के निर्देशन में झांसी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से उसकी हॉकी छीन कर ले जाने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी शिवम आनंद पुत्र केशवानंद कुशवाहा झांसी के आशिक चौराहा नई बस्ती के निवासी है, जिन्होंने 2016 में एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 3 गोल किए थे तथा वर्ष 2018 में अर्जेंटीना में यूथ ओलंपिक में मलेशिया के खिलाफ 4 गोल जिस हॉकी से किए थे वह अज्ञात बदमाशों के द्वारा छीन ली गई थी, जिसकी बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा के निर्देश पर टीमों को गठित किया गया था, जिसके चलते झांसी प्रभारी देवेश शुक्ला एवं पुलिस टीम के मुख्य सहयोग से कोतवाली पुलिस को 3 शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिनके पास से पुलिस ने अवैध असलाह, कारतूस, सोने चांदी के आभूषण तथा चोरी की हुई हॉकी भी बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार हुए 3 शातिर बदमाशों को जेल भेज दिया है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में और सिपरी बाज़ार में अभी पिछले दिनों जो है एक चैन स्नैचिंग हुई थी मिशन कंपाउंड में, जिसको लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी। दोनों SOG टीम प्लस थाने की टीम ये सब लगी हुई थी। इसी बीच जो है थाना कोतवाली क्षेत्र में भी एक चैन स्नैचिंग हो गई, जिसको लेकर के हमारी टीम कार्य कर रही थी। कल शाम को 3 लड़कों को जय सोनी, अभिषेक सोनी और भूपेंद्र बंसकार को संदिग्ध देखते हुए पकड़ा गया और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से 3 सोने की चैन और चार सोने की चैन और 2 315 बोर की तमंचे बरामद हुए। जिस गाड़ी से इन्होंने लूट की थी, चैन स्नैचिंग की थी, एक स्कूटी दूसरी अपाचे, दोनों गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। उनके विरुद्ध थाना हाजापुर मुकदमा दर्ज करके आज उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अब अभी तक पूछताछ में जो 3 लोग हमारे साथ हैं उनसे पूछताछ हुई है और आगे जो भी पूछताछ में पता चलेगा या जांच में पता चलेगा वो सब आपके सामने रखा जाएगा।